चुनावी रण तैयार हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी खेमे की लड़ाई मजबूत कर रही है और साथ ही अपना दावा थोक रही है, चाहे उम्मीदवार हो या फिर कोई पार्टी हो। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, फिलहाल हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं। क्या उनके दिल में है, क्या कुछ चाह रहे हैं कि अगली सरकार आए उनसे क्या उम्मीदें हैं, इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपके मत में किसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि इस बार कोई नया मुख्यमंत्री बन के हमारे बीच आए, इसलिए कि दो हम लोग मुख्यमंत्री करीब करीब 30 साल का राज्य हम लोग देख चुके हैं और इस ग्रोथ से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, जनता यशवंत सिन्हा एक नए चेहरा के रूप में वो बिहार को देना चाहते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? यदि यशवंत सिन्हा जी बढ़िया काम करने का लक्ष्य बनाए हैं तो बिल्कुल जनता उनके साथ खड़ी है और जनता उन सभी व्यक्तियों के साथ खड़ी है जो बढ़िया से काम करेंगे। समस्याएं बहुत है बिहार में, बेरोजगारी हो गया, जल जमाव की समस्या हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, ये सबसे उभरने में क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसके बाद जिसकी सरकार आएगी, क्या लगता है कि इस बार इन सब समस्याओं से निजात पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि युवाएं अब पढ़े लिखे और शिक्षित हो चुके हैं और इस बार वो अपने वोट का मूल्य समझते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की जनता और बिहार के युवा वर्ग अब उन्हें भी वोट देगी जो बिल्कुल बिहार के लिए काम करेंगे। अब जाति पाति के नाम पे वोट मुझे नहीं लगता है कि नहीं मिलेगा, कास्ट वोट इस बार बिल्कुल बदलने वाला है और शायद हम सभी देखेंगे कोई ना कोई नया। शायद इसीलिए ही कि जितनी भी बिहार में पार्टियाँ हैं वो विकास की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, शायद यही कारण है। तो लगता है ऐसा कि इस बार कास्ट जो पॉलिटिक्स चलती थी, जाति आधार पे जो वोट किया जाता था, वो इस बार नहीं होगा? जी जी बिल्कुल, और इस बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि युवा अब हर चीज़ों को समझ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है और वो भी समझ रहे हैं कि नहीं बिहार के अंदर एक बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बिहार के युवा आखिर क्यों पीछे रहे, क्यों वो बेरोजगारी की मार से है, आखिर हम किसी भी राजनेता को चुनकर क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि वो हमारा भविष्य आगे उज्जवल करे इसलिए हम राजनेता को चुनते हैं या कोई भी पार्टी के लोगों को चुनते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तीसरे थर्ड पार्टी फ्रंट यदि खुलती है तो बेशक उन्हें बहुत सपोर्ट जनता करेगी और उन्हें आगे सहयोग बिल्कुल मिलेगा। यह दानापुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से आशा देवी लगातार बीजेपी से जीतती आ रही हैं, विधायिका के रूप में आ रही हैं, कोई इस बार रीतलाल यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है इस बार दानापुर विधानसभा से कौन जीत हासिल करता है? देखिए दानापुर विधानसभा की बात की जाए तो जो भी पार्टी माननीय आशा जी यदि जीतते आ रही हैं, यदि उन्होंने सही काम किया है और हमारे क्षेत्र के अंदर यदि बढ़िया काम किया तो निसंदेह जीतेंगी। और माननीय रेतलाल जी यदि दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहना यही चाहेंगे कि जनता सिर्फ काम को देखना चाहती है और कुछ नहीं, और काम के आधार पर ही उनका इस बार जन अधिकार उनको मिलने जा रहा है, यही मैं कहना चाहूँगा। दानापुर क्षेत्र में तो काफ़ी दिन से आपका बीजेपी से आशा देवी थी, वो भी है काम तो काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, जैसे यहाँ तक ज़्यादा समस्या हम लोग का जल जमाव का हो जाता है जिस पे वो पिछले इतने दिन में भी ध्यान नहीं दिए हैं, तो यहाँ की लोकल जो जनता ये भी चाह रही है कि अब उनके बाद किसी दूसरे का नंबर, जैसे आप रीतलाल यादव का नाम लिए, वो भी अच्छे चेहरा है लेकिन अब नया आपको देखना ही पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ कुछ नए चेहरे को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि होता है क्या कि लगातार यदि दो चार बार यदि सीट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, तो लोगों को सत्ता का लोभ हो जाता है और जनता से उनको ध्यान उठ जाती है। कहते हैं कि जिस मुद्दे से आते हैं सत्ता में आने के बाद मुद्दे भूल जाते हैं। सही बोले, वो मुद्दे भूल जाते हैं यहाँ पे। एक ये तो आप एक विधानसभा की बात बताए, राज्य स्तरीय पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के सीट पे बैठने के बाद भी अपना जो मेरा कर्तव्य था हमारे जनता से क्या वादा था, हाँ यहाँ का सीएम की बात हम बता रहे हैं, सीएम अपना रास्ता भूल जा रहे हैं पिछले। तो बदलाव चाहती है यहाँ की जनता, आप भी बदलाव चाहते हैं कि कोई नया चेहरा हो जो कि बिहार को पूरी तरह से विकसित करे, और जैसे कि एक और लोग थे मनीष जी, उन्होंने बताया कि हम
भी इस बिहार को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ जरूर, सही बोले कि हम लोग बिहार को विकसित राज्य में देखना पसंद कर रहे हैं और वही चाह भी रहे हैं कि नया कुछ हो, क्योंकि पिछले अभी कुछ कुछ तो नेता का ये किसी चीज जल जमाव पे या किसी चीज़ पर पूछने मतलब जनता पूछती है तो उसमें उनका सीधा सा स्पष्ट ये रहता उत्तर रहता है कि नहीं, पिछले 15 साल में उन्होंने क्या किया। आप दूसरे आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता में, आपके हाथ में पावर है, आप चाहेंगे तो यहाँ अच्छी तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे यहाँ अच्छा रोजगार ला सकते हैं। आप 15 साल में कितने फैक्ट्रियाँ यहाँ पे खोली, आप 15 साल में कितने हॉस्पिटल्स नया खोले, आज कोरोना काल में जो आपका रिकॉर्ड देख रहे हैं रिकवरी रेट, आप तो अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज़्यादा रिकवरी रेट यहाँ दिखा रहे, 87-90% कहाँ है वैसा व्यवस्था? अभी हकीकत पता चल जाएगा, चाहे वो NMCH हो या IGMS हो या चाहे एम्स हो, वहाँ जाने के बाद काफ़ी तस्वीरें भी आ चुकी है, काफ़ी तस्वीर आ चुका है, हकीकत क्या है वो आपको बोलने से और न्यूज में ऐड डाल देते हैं कि ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट क्या है वो आप घटनास्थल पर जाने के बाद पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। अच्छा, आप युवा गाड़ी तो बहुत ज़्यादा मतलब चरम सीमा पे, यहाँ देखा जाए खास करके बिहार में, एक तो यहाँ के युवा कुछ हद तक अपना स्टडी करने के बाद सीधा प्लान करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, नहीं यहाँ जॉब उस तरीके से क्रिएट होता है, जॉब की वैकेंसीज भी आती है, लोग स्टूडेंट फॉर्म भरते उसके बाद वो वैकेंसी कैंसिल कर दी जाती है, यहाँ के युवा और उससे परेशान होते हैं, उनका एज चला जाता है, जब लास्ट में एज चली जाती है तो लास्ट में वो मतलब उस लायक नहीं रहते कि वो फॉर्म फिर से दोबारा भरे, उसके बाद यहाँ से प्लान उनका मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा कोई फैक्ट्रीज इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं है, लोग वहाँ पर ज्वाइनिंग ले, उसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है, क्या लगता है बिहार में अभी जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था है सही है? दोनों सही नहीं है, और ख़ास करके तो हम स्कूल शिक्षा व्यवस्था तो एकदम घटिया हो चुका है, क्योंकि हम हमारे ज़माने में कभी आज से 20 साल या 15 साल पहले देखे लोग गवर्नमेंट स्कूल में स्लेट लेकर के जाते थे, कॉपी लेकर जाते थे, आज ऐसा स्थिति हो गया कि आज लोग प्लेट लेकर जाते हैं खिचड़ी खाने, ये बेचारे हैं 10 शिक्षक से आप जाकर उनसे अच्छा 10 क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें से आपको इंटरव्यू लें तो 8 से 9 लोग आपको फेल नजर आएंगे, सिर्फ 1% आपको शिक्षक मतलब योग्य शिक्षक टीचर आपको मिलेंगे। काफ़ी बातें हुई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बदलाव की आपने बात की अपने विधानसभा दानापुर विधानसभा क्षेत्र की, क्या लगता है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, ये CM नीतीश कुमार जो अभी मौजूदा CM है? सही कह रहे हैं, बिहार का नया चेहरा मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 15 साल इनके भी लोग देख लिया, ये भी अपने कुर्सी कुमार के नाम से फेमस हो गए हैं, इससे पहले 15 साल जो था वो तो लोग देखा ही देखा जंगल राज, उसके बाद ये अपना शिक्षा और बेरोजगार ये तो और स्वास्थ्य विभाग देखे तो ये काफ़ी निचले स्तर पर चला गया है, नया चेहरा जैसे आपका नई पार्टी आपको संगठन अपना की है, जैसे आपका राजपा का भी है वो भी अपना नया चेहरा लाए, तो काफ़ी लोग इस बार नए चेहरे को ही सपोर्ट करेंगे और जैसा मेरा मानना है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है कि बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है? जी, इसमें बिहार में तो हर हाल में अभी युवा मुख्यमंत्री ही ज़रूरत है, चाहे वो आप लोजपा से चिराग पासवान खड़े हो जाएं। पासवान पसंद करते हैं? जी, वही मतलब एक युवा सांसद के तौर पे बतौर देख रहे उनका काम करने का तरीका, वो एक एक्टिव रीजन क्या है ना कि युवा के अंदर भी एनर्जी ही होता है, वो अच्छे तरीके से कोई भी काम को करते हैं, जो कि आप नीतीश कुमार ये पूरे कोरोना काल में नीतीश जी अभी एक भी जनता से मिलने नहीं गए, ये कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर भी हो जाता है, ये अपना कुर्सी नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं, अगर काम अच्छा होगा तो जनता अपने आप निर्णय ले लेगी। आपका क्या मत है? मैं ये जाना बस काम को देखिए और बाकी जो भविष्य में अच्छा प्रेजेंटेशन जैसा कि अच्छा डेवलप कर सके उसको अपने क्षेत्र में लाइए। अच्छा, ये बताइए कि इस विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही बिहार में क्या क्या कमियाँ हैं, जैसे कमियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन मुख्य आपको क्या लगता है कि वो कमियाँ तत्काल ठीक कर लेनी होगी, जैसे कि जल जमाव की समस्या बिहार में, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कौन सी कमियाँ को आप सबसे पहले कि उस पर तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही? बिहार के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें हर साल बाढ़ आती रहती है और उसके विकास में कुछ काम नहीं होता है, हर साल नए पुल बनती है, ब्रिज बनते हैं, सब कुछ होते हैं, आने वाले अगले बरसात के मौसम में बारिश में वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एक अच्छा निर्णय लेना होगा कि जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं जो काफ़ी उस चीज़ों से परेशान रहते हैं, बाढ़ से पानी से परेशान रहते हैं, उनका एक अच्छा निर्णय निकाल के उनको एक अच्छा लोकेलिटी वहाँ लोकेशन दिया जाए उनको। आत्मनिर्भर भारत की बात हो जा रही है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, किसान को सशक्त बनाने की बात सब लोग कर रहे हैं, क्या ये इसकी ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है आप इस मानते हैं? 100% ज़रूरत है किसान को।
सशक्त बनाने के लिए। अगर किसान सशक्त हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो देश का भी विकास होगा, यह बात को मान। हाँ, देश का विकास होगा। मुझे जो सीएम चेहरे के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो कोई मुझे कोई काबिल आदमी नहीं दिख रहा है एक्चुअल में, और जो अभी ग्राउंड में है भी, तो इनमें से मैं किसी को मतलब अभी चॉइस नहीं करता हूँ। और मेरे हिसाब से जैसे चेहरा होना चाहिए था, जिस हिसाब का जो बिहार को सुधार सके, बिहार को सुधार के लिए मतलब काफ़ी ज़रूरत है। और बिहार में कुछ जो अभी प्रोग्रेस अभी मतलब कम है, बिहार में जो रोड और जो नाले और ये सब जो है ना, एक मतलब लेवल तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, जहाँ तक बनना चाहिए था, जो रास्ते हैं ऑलरेडी या बेली रोड का खुद ही हालत देख सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे उस लेवल का काम नहीं हुआ है। और चाहे पिछले कुछ 15-20 साल या 30 साल देख लीजिए, तो जो भी लोग इस सत्ता पक्ष में या कहीं भी रहे हैं, वो किसी ने मतलब कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया है जो कि आज के डेट में अगर वो मुंह उठा के बोल सकें कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो ऐसा हमको कुछ मतलब डेवलपमेंट अभी दिखा नहीं। हाँ, नया चेहरा ज़रूर हम ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा और नया चेहरा हमें ऐसा दिखे जो कि जैसे यूपी में सुधार हुआ है काफ़ी नया चेहरा आने के बाद, तो मतलब हम उस टाइप का एक जो है डेवलपमेंट ढूंढ रहे हैं, और ऐसा चेहरा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसमें इसके फेवर में कुछ नोटा दबाइएगा अगर कोई ऐसा चेहरा। जरूर, मेरे को अगर ऐसा लगा तो हम लोग नोटा ही दबाएंगे, क्योंकि अगर कोई इस टाइप में नहीं दिखा कोई आदमी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इसमें कोई भी हमें ऐसा अभी ऐसा आदमी दिख ही नहीं रहा है, हमें मतलब किसी पक्ष में या विपक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है जो कि बिहार की छवि को सुधार सके। इसमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, ऐसा नहीं है। जो भी है, अगर बाहर की अवसर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम जो है वो शुरू किया है मोदी सरकार ने, तो क्या आत्मनिर्भर बन चुका है या फिर बनने वाला है, क्या लगता है? रोजगार में जो मुहिम चल रही है उतना मेरे को तो कुछ ग्राउंड पे सक्सेस नहीं दिख रहा है, और बातें हो रही है, सिर्फ बातें भी। अब क्या हो रही हैं इसके मैं 100% तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन रोजगार की एक्चुअल में अब बिहार में काफ़ी कमियाँ हैं। और जो अभी दिनचर्या चलाने के लिए लोग अगर जो भी चीज़ जो भी काम मिल जा रहा है वो कर रहे हैं, जैसे भी अपना मतलब दिनचर्या चलाने के लिए सिर्फ काम ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं जो भी मिल रहा है, लेकिन वैसा मुझे कोई रोजगार क्षेत्र में कुछ भी यहाँ पे बिहार के अंदर कोई भी ऐसा मतलब जो है ना कोई जगह दिख रहा है कि जहाँ पे लोग जाकर कुछ अपने लिए कर सकें या कुछ अपने घर परिवार के लिए कमा सकें, ऐसा नहीं दिख रहा है। लोग ठेला लगाने पे भी मजबूर हैं आज के समय में। इंडस्ट्री इन बिहार की मुहिम एक बार ट्विटर पे हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड की थी, क्या लगता है उद्योग इंडस्ट्री लगने से बिहार का कुछ डेवलप? ये ज़रूरी है, एक्चुअल में इंडस्ट्री बिहार के अंदर ज़रूरी है। हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को भी मैं अनुरोध करूँगा कि बिहार में एक्चुअली इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, जो पहले आज के डेट में कुछ भी हमको इंडस्ट्री के रूप में बिहार में कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ क्या डेवलपमेंट होगा? आदमी मार्केटिंग कर रहे हैं या जो इसे जो भी कमाई है एक यही जरिया है एक मार्केटिंग करना, लेकिन मार्केटिंग भी एक लेवल तक होती है। जब यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं इतना हो रहा है, तो किससे दिनचर्या चलाएंगे? लोग यहाँ पे आइसक्रीम बेचने चाहे जो है मतलब छोटे छोटे काम करने के लिए जो ही मिल जाए वही करने के लिए मतलब उतारू हो गए हैं आज के समय में। मतलब अपना सभी को अपना जो है घर चलाने के लिए बहुत ही कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। यही हाल रहा था, आपको क्या लगता है आपके भी बच्चे होंगे, उनका भविष्य कैसा नज़र आता है? बच्चे जो होंगे एक्चुअली भविष्य हमको तो सही बताएं तो कुछ नहीं दिख रहा है। आगे के समय में हमको भविष्य अपना भी नहीं दिख रहा है और ना बच्चों का भी दिख रहा है। बस हम यही कहेंगे कि हम लोग एक अपना परिश्रम कर रहे हैं किसी तरह से और घर अपना चलाने की अपना जो है कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को हम एक लेवल तक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बस। और पढ़ाने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा नहीं, लेकिन हमको कोई ना सरकार की तरफ से ना किसी इंडस्ट्री की तरफ से मतलब जो कुछ भी तरह से हमको इसमें कोई योगदान किसी का या किसी का सहयोग बोल सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से दानापुर विधानसभा की जनता अपने नेता से नाखुश थे। बहुत लोग जो हैं वो सबका अलग अलग मत है, कोई तेजस्वी यादव को चाहते हैं, कोई नीतीश कुमार को चाहते हैं, किसी को कोई चेहरा पसंद ही नहीं, वो किसी नए चेहरे की तलाश में है। मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल जमाव, इन सभी मुद्दों पर जनता इस बार अपने जो लीडर हैं उनसे जवाब मांगेगी। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे और देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।